हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर अरुण एंड मिस्टर विकास जुड़ चुके हैं। आप कहोगे सर विकास तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन विकास यहाँ पे इमेजिनरी है। उनसे हमारी अभी बातचीत हुई है फ़ोन पे, बहुत अच्छा लगा उनसे बात के। उनका कहना था कि सर प्लीज़ आप वीडियो में मेरा भी जिक्र कीजिएगा। तो विकास जी का एक्सपीरियंस अरुण जी शेयर करेंगे, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमंग स्टडी पर। पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ एंड आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सब्सक्राइबर्स को अपना थोड़ा सा परिचय दें, इंट्रोडक्शन दें। हेलो एवरीवन, मैं अरुण अस्थाना और मेरा ज्वाइनिंग आज डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है और मुझको ट्रेनिंग के लिए 19 तारीख को गोमो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है। तो 19 तारीख को मुझको रिपोर्ट करना है और काफ़ी दिनों से कोरोना के चक्कर में भी थोड़ा सा डिले हो रहा था, कम से कम 1.5 साल का डिले हो गया ज्वाइनिंग में, लेकिन आज फाइनली वो पल्ला ही गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सर के साथ तो और अच्छा लग रहा है। सर को पहले हम लोग भी बहुत वीडियो में फॉलो किया है, आज पहली बार देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी मिल के। एक्चुअली ज्वाइनिंग की कवरेज बहुत ही मतलब कि हमें भी अच्छा लगता है करने में फ्रेंड। कोई कोई वाकई ये जो दिन होता है हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। इससे पहले बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3, फिर जैसे कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इतने सारे स्टेप्स होते हैं, इतने सारे स्टेप्स के रिजल्ट आती है। कहीं पर भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी छट जाते हैं, लेकिन ये जो दिन होता है इसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए फाइनली आप सभी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछूंगा कि आज जो आपकी प्रक्रिया हुई है यानी कि 13 जुलाई को, इसको आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दें कि मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक क्या क्या हुई है, ताकि 14, 15, 16 कल परसों तरसों जो भी आने वाले स्टूडेंट्स आपके साथी हैं उनके लिए चीज़ें पहले से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और वो अपनी प्रॉपर तैयारियों के साथ आ सके। क्योंकि हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि 12 को ज्वाइनिंग हुई, 12 को हमने लाइव कवरेज किया, फिर भी आज 13 को जो स्टूडेंट्स आए उनमें भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स की कमियाँ रह जाती हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि एक भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ आप प्रोसीड करें। जैसा कि हम लोग 10 बजे आ गए थे ऑडिटोरियम में और उसके बाद हम लोग को सबको सीरियल वाइज नाम लेके बुलाया गया और हम लोग अंदर अलॉट थी 5-5 लोगों का एक ग्रुप बना, जो पर्टिकुलर को एक डेडिकेटेड ऑफिसर अलॉट हुआ और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा कि चेकलिस्ट है उसके ही अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। बाकी 3-4 फॉर्म यहाँ से देते हैं, वो उसको फिल करना होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चेकलिस्ट में लिखा हुआ है उसी हिसाब से अगर प्रॉपर वे में बनवा के ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जैसे जो एक जो NPS फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म बॉन्ड पेपर गवर्नमेंट ऑफिसर का होना चाहिए। आज जैसे एक लोगों का था तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे तो उनको वापस कर दिया गया, मतलब कि आप करवा के लाएं। बाकी और इशू OBC में थोड़ा आया है आज के डेट में, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेनली जो बिहार के लोग हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पिछली बार हुआ था उसमें DM ने इशू किया था, इस बार जो लड़के लेके आए हैं वो SDM ने इशू किया है, तो उस पर ऑब्जेक्शन रहा इन लोगों का और उसके लिए टाइम दिया गया है कि आप 2-3 दिन जब प्रोसेस चल रहा है तो DM से उसको साइन करवा के ले आएँ। बाकी सब कुछ जैसे चेक लिस्ट में है उसी हिसाब से पूरा लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हेल्पफुल भी हैं सभी लोग और बढ़िया सब। दो तीन इश्यूज मैं भी जिक्र कर देना चाहता हूँ अपने स्तर से फ्रेंड। 12 तारीख की ज्वाइनिंग इन लोगों की हुई है, 12 तारीख को दो प्रॉब्लम आए थे स्टूडेंट्स को। एक प्रॉब्लम तो आई थी कि स्टूडेंट ज्वाइनिंग लेटर भूल गए थे, तो वो मुझे नहीं लगता कोई गलती वैसी करेंगे। एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को आए थे आप लोगों का बॉन्ड को लेकर के, मतलब कि वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो मतलब कि बॉन्ड बनवाया था तो उन्होंने क्या किया था कि रेलवे के द्वारा जो फॉर्मेट भेजा गया था उन्होंने उसी पे टाइपिंग करवा दी थी, जबकि उस पे टाइपिंग नहीं करवाना होता है, प्रॉपर आपको 100 रुपीज़ के बॉन्ड पे करवाना होता है। 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके उसमें बनवाना है और उसके बाद जो भी सादे पन्ने में जो मतलब 3 पन्ने का है वो फॉर्मेट, तो 100 रुपए का स्टाम्प लगा लें, बाकी 2 पन्ने जो ब्लैंक A4 पेपर आते हैं उसमें अपना कंटेंट फिल अप कर दें। और एक स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हुई है, बॉन्ड को लेकर के मेजॉरिटी इशू आ रहे हैं। एक तो इन्होंने बता दिया कि आप जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर का साइन करवाएंगे
तो प्रॉपर आप लोग चेकआउट कर लेंगे कि वो गजेटेड है या नहीं। नहीं, गेस्टेड से नहीं कराना है, गेस्टेड से नहीं कराना। आपका सेम पे लेवल हो, जैसे 1900 ग्रेड पे है तो सेम, या तो 1900 या 1900 से अपर हो। अपर हो, हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है कि गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं। और जैसे बैंक वाले गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो भी नहीं, वो भी नहीं। जो प्योर प्योर गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट या तो राज्य सरकार के या तो केंद्र सरकार जी। हाँ, और एक बॉन्ड में आज एक स्टूडेंट को क्या इशू आई, मैंने अपने स्तर से उसका हेल्प भी किया कि जो आप लोग स्टार्टिंग में जो बॉन्ड में जो फॉर्म फिलअप करना होता है तो अपना नाम, पापा का नाम, फिर जो आपके वो जो आपको गारंटी दे रहे हैं, जो श्योरिटी होते हैं, उनका नाम, उनका नाम और उनका पापा का नाम फिलअप करना होता है। लेकिन उन स्टूडेंट ने गलती क्या की थी, अपना नाम, पापा का नाम और श्योरिटी का नाम और पापा के नाम की जगह पर उन्होंने अपना ही नाम और पापा का नाम डाल दिया था। तो हम लोग उसको कोर्ट लेकर के गए, कोर्ट में उनका पेपर भी बनवाए, लेकिन बनवाते बनवाते लगभग 4:30 बज गए। तो उनकी कल बुलाया गया, उन्हें कल नहीं, उनको फ्राइडे को बुलाया गया है। तो आप लोग इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सब प्रॉपर तैयारियां करके आएंगे। और इन लोगों का, इनका हमने मॉर्निंग में इंटरव्यू भी किया था, तो इनका एजुकेशनल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। किसी कारण से उस वीडियो में ऑडियो नहीं आ पाई थी, तो मैं इनसे माफ़ी भी चाहूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अपना एजुकेशनल जर्नी बताएं, क्योंकि वो वाकई इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हमने 2006 में हाई स्कूल किया हुआ है, कानपुर में, कानपुर मेरा निवास स्थान है, तो विकास का नेहरू इंटर कॉलेज हाई स्कूल। उसके बाद 2008 में इंटर किया हुआ है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ईयर निकल गया मेरा। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि हम जिस दिन, अच्छा पहले उसमें भी पहले होता था कि जो एग्ज़ाम के पहले वो हो जाते हैं, जो मतलब वो क्या बोलते हैं, जो क्या होता था पहले, प्रैक्टिकल जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले हुए थे। उस बार क्या हो रहा था, एग्ज़ाम के बाद होते, बाद हुए। तो जैसे एग्ज़ाम के पहले तो आदमी कंटिन्यू कॉलेज जाता रहता है, और उसके बाद थोड़ा सा मटर गस्ती करने लगता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी, जो बाद वाला एक हम बॉटनी का प्रैक्टिकल मिस कर गए सेकेंड ईयर में, तो उसकी वजह से हम फेल हो गए। मतलब वो उसमें एब्सेंट लग गया तो फेल हो गए हम, तो फिर हमने बीएससी छोड़ दिया। अच्छा, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था डिप्लोमा में, तो हमको, हम फिर चलने, फिर बीएससी छोड़ के चले गए पॉलिटेक्निक करने, और हमको गवर्नमेंट कॉलेज मैनपुरी में मिला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वहाँ से हमने, तो फिर जब हम सेकेंड ईयर में थे, पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में थे, तब एक जियो पास हुआ कि लास्ट 3 ईयर में जिनको जो भी प्रैक्टिकल जिनका छूटा वो दोबारा दे सकते हैं। तो हम दोबारा दे आए, तो उसमें पास हो गया। अब सेकेंड ईयर भी मेरा पास हो गया। अब जब हमने डिप्लोमा ख़त्म किया है, उसके बाद हमने फिर 3 साल का गैप हो गया था, फिर गैप लगा के वो फिर हमने एडमिशन 3rd ईयर में लिया, फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2014 में। 2013 में हम डिप्लोमा से पास आउट हुए और 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है, लेकिन ये है, मुझे यूनिक केस मिला हसीन का कि एजुकेशनल जर्नी इतना इंटरेस्टिंग रहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब मैं फोकस करता हूँ इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो इस ALP की आपने डेडिकेटेड होकर के तैयारी करी थी नोटिफिकेशन आने के बाद, हाँ। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो बस था कि हाँ इसको भी मैंने दे दिया, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। नहीं, हम 2013 के पास आउट हैं, तो उसके बाद जनरली लोगों को होता ही है कि जॉब तो करनी ही है, कोई इतना बहुत फाइनेंशियल मजबूत नहीं थे कि बैठ के तैयारी कर पाते, तो तब से कभी गवर्नमेंट नौकरी का हमने ख्याल भी नहीं किया। मतलब ऐसा लगता था वो सपना है, वो शायद दूसरों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है वो। लेकिन फिर हम प्राइवेट नौकरी किया, 1 साल हम पानीपत में रहे, फिर 3.5 साल हम शाहजहाँपुर में शुगर मिल में रहे। उसके बाद 2017 में जब हमने शाहजहाँपुर में जो शुगर मिल की नौकरी छोड़ी, तो फिर थोड़ा सा समय मेरा ख़राब हो गया। और जब कानपुर आ गए तो यहाँ जॉब भी नहीं थी और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे। तब फिर थोड़ा समय बीता तो फिर ये लगा कुछ तो करना ही है, फिर लगा कि चलो गवर्नमेंट जॉब ही ट्राई करते हैं। और खुदा ना खास्ता उसी समय ALP का नोटिफिकेशन भी आ गया और ग्रुप डी का भी आ गया, तो फिर एक ये लगा, और इतनी बल्क की वैकेंसी लगी कि लगता था फिर कुछ हो सकता है शायद इसमें। तो फिर नोटिफिकेशन से फिर हमने डेडिकेटेड होके पढ़ाई की, फिर और फिर सब निकलते ही चला गया। CBT 1 निकला तो जो उसके घंटे थे पढ़ने, घंटे और बढ़ गए, ऐसे करके धीरे धीरे सब निकलता चला गया, और आज फाइनली लेटर ही मिल गया ट्रेनिंग का।
तो आपके फ्रेंड जो है विकास, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। विकास जी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, आईटीआई किया हुआ है उन्होंने और हम लोगों ने साथ में तैयारी की है। एक्चुअली वो मैनपुरी के थे और हमको सीबीटी 2 में वो यहीं पर रांची में ट्रेन में मिले थे। उसके बाद हम लोगों की मतलब हम पॉलिटेक्निक किया हुआ वहाँ से, तो बड़ी मित्रता हो गई उनको। वैसे भी बाहर कोई अपना मिल जाता है तो बड़ा, तो फिर जो सीबीटी 2 भी उन्होंने जो साइको की तैयारी है वो हम लोग वीडियो कॉल पे करते थे। अच्छा, वीडियो कॉल पे दोनों लोग एक अलग फ़ोन पे वीडियो कॉल लगा लेते थे और दूसरा जो भी टेस्ट सीरीज हम लोग कंप्यूटर पे अपने करते थे। अच्छा, तो दोनों होल्ड लगती थी तो देखते हैं तुम कितने सेकंड में मारते हो, हम कितने सेकंड में मारते हैं। उसके बाद चेयरअप होता था, भैया 3:42 में मेरा हो गया, 3:48 हो गया, मेरा स्कोर इतना है। तो बड़ा हम लोग साइको की तैयारी बहुत अच्छे से की है विकास जी के साथ और उनका भी स्कोर अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका टेक्नीशियन में हो गया। उनका एलपी में जाने का मन था लेकिन टेक्नीशियन सिलेक्शन हो गया है उस पर। और अब मैं थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहूँगा। तो आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द तैयारी होती थी अब वो किससे होती थी, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी या ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सअप होता था? ऑफलाइन तो हम 3-4 महीने गए हैं, ऑफलाइन में एक्चुअली 4-5 महीने गए। वो एक बार वही पढ़ा के फिर दोबारा से वही, तिबारा से वही, तो फिर ऐसा लगता था कि हम शायद वो समय बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पे। उसका वो समय हम घर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट आप एक ही सिलेबस को बार 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 पढ़ते हैं तो फिर वो कभी बोरिंग भी होने लगता है और फिर एक चीज़ को आप दो बार, दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं है उसका। तो फिर हमने जब एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया तो वो दोबारा से फिर वही पढ़ा दिया, फिर तिबारा वही पढ़ाने लगे तो फिर मेरा मुंह भंग हो गया वहाँ से। तो मैं घर पे आके तो मैंने कहा वहाँ सीख लिया जितना, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर सेल्फ स्टडी की, दूसरा ऑनलाइन में भी जो वाईफाई स्टडी से हमने तैयारी की, अच्छा उन्होंने गाइडेंस किया और उससे तैयारी की। बाकी उनकी टेस्ट सीरीज़ भी लगाई, उससे स्पीड भी बढ़ी। और आपसे भी उम्मीद है कि आप टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कीजिए, डेली अगर लगाना चाहें तो वो ज़रा ज़रूरी रहता है। क्योंकि जब हम लोग पेपर में बैठते हैं तब पता चलता है कि 160 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट वो सिखाता है टेस्ट सीरीज़। हमेशा टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी ही पड़ेगी, वरना लोग कभी बताते हैं 15 छोड़ गए मेरे 20 छूट गए और लास्ट वाले ज़रूर हलवा क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ बुक लिस्ट आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? बुक लिस्ट आप बेसिक किताबें यूज़ कीजिए। अगर आप जनरल साइंस में जाना चाहते हैं तो NCERT पढ़िए, और मैथ के लिए हम तो RS अग्रवाल से पढ़ा है मैंने, RS अग्रवाल भी अच्छी बुक है मैथ के लिए। बाकी जनरल साइंस, जनरल जो अवेयरनेस है उसका तो बहुत वो संसार है, वो आप कहीं से भी सागर से कहीं से भी बाल्टी भर के उठाते रहिए, उसका अंत नहीं है। तो आप कैसे किया करते थे? हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स करते थे, हम केवल टॉपिक नहीं उठाते थे। जैसे हमको हिस्ट्री उठानी है तो हम हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री शुरुआत से आखिर तक पढ़ी। ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी बेसिक बुक से शुरुआत से आखिर तक पढ़ी, क्योंकि आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। आजकल का इतना वाइड हो गया है कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, पर्टिकुलर चीज़ें आ जाएंगी। वो ज़माने चले गए कि पढ़ लो लूसेंट और सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब इतना वैरायटी से पूछने लगे हैं तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमने यही स्ट्रेटजी अपनाया कि हिस्ट्री पढ़नी है तो उसको बेसिक बुक जो है उसकी शुरुआत से आखिरी तक वो बुक पढ़ी, और ज्योग्राफी पढ़नी है तो शुरुआत से आखिरी तक बेसिक बुक पढ़ी, तो उससे आपको पूरा नॉलेज होता है। मतलब एक सीरियल वाइज आप आते हो और वो इंटरेस्ट भी बनता है। जब आप थोड़ा हिस्ट्री में आप शुरुआत से जाएंगे, पाषाणकालीन से लेके आप आधुनिक भारत में आएंगे, तो बहुत अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में। तो हम तो यही कहेंगे कि ये सिलेबस कंप्लीट करिए, ये नहीं सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने में। सेलेक्टेड चीज़ों में टुक्का वो बोलते हैं उसको कि टुक्का लग गया तो बैठ गया, नहीं बैठा तो चला गया। तो आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है, किस शिफ्ट को होने वाला है, कहाँ होने वाली है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। सागर में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रीजनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रीजनिंग तो नॉर्मली रीजनिंग सरल ही होती है, 60% तो हर आदमी लगा लेगा, वही 40% की लड़ाई होती है। और उसी में देखिए हर जो भी आप पेपर देंगे 60% तो हलवा आएगा ही आएगा। अच्छा। वो जो 40% है खेल तो उसी में होना है, सिलेक्शन वही दिलाएगा क्योंकि 1 करोड़ आदमी बैठ रहा है और उसमें से आना है 50,000, तो क्रीम निकालनी है तो क्रीम तो उसी 40 क्वेश्चन से निकलनी है, वही खेल करता है। तो
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रीजनिंग में, रीजनिंग में, क्योंकि उसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो टाइम रीजनिंग सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका टाइम कम कर पाएंगे, और वही टाइम आप कहीं मैथ में दे सकते हैं। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आप रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और बस प्रैक्टिस के लिए। तो रीजनिंग तो सरल भी है और नंबर देने वाली है। वो करंट को कैसे कवर अप करते थे? करंट का जो कंटेंट होता है वो लगातार डे बाई डे ऐड होता जाता है, और जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन डिले होते जाते हैं आपको उतनी सारी चीज़ें ज़्यादा कवर अप करनी पड़ती है, तो इसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी करंट के लिए? तो पहले तो न्यूज़पेपर और जो जैसे वीडियो वगैरह होते हैं वो द हिंदू और एनालिसिस करते हैं, तो आप आधे घंटे अगर आप रोज सेट करके बैठे हैं कि एक आधा, और उसको नोट डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि आदमियाँ देख के और पढ़ के निकल गया तो उसके बाद पता चला कि चार दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है। आप उसको समराइज़ करिए, एक नोटबुक बनाइए और एक हफ्ते में वो पूरा केवल पढ़ डालिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ डालिए। जब पेपर में आएगा आप उसको 8 बार केवल 10 बार पढ़ लेंगे, वो जब आएगा क्वेश्चन तो वो जो अलग से चमकता हुआ दिखेगा जो आंसर है अलग से चमकेगा। केबीसी में जैसे चमकती है नहीं? हाँ वो होता है, होता है हम लोगों के अंदर, होता है कि हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो अलग से हम लोगों को लगने लगता है। सब क्वेश्चन माइंड भी बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ हमें इसे भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके सीबीटी स्कोर की बात करें तो आपका सीबीटी में स्कोर कितना था? सीबीटी वन में मेरा लगभग एग्जैक्ट हमको तो नहीं याद है, लेकिन 56 के अराउंड था सीबीटी वन में, और सीबीटी टू में 72। पेपर वन या पेपर टू? पेपर वन में, और पेपर टू में 56 के अराउंड वो भी था। अच्छा आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी रॉ मार्क्स के आसपास ही था? रॉ मार्क्स के आसपास, तो कोई ज़्यादा हमको ऊपर चढ़ा नीचे नहीं होना। साइको में मेरे 23.2 थे और टोटल मिला के मेरे 74 बने थे, और मेरिट गई थी 74.21, तो 0.21 से हम वेटिंग में थे और वेटिंग क्लियर हो गई, फिर फाइनल लिस्ट बनी। तो हाँ वेटिंग को लेकर के भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स या क्वेरीज आते रहते हैं, तो वेटिंग के बारे में कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपसे। हाँ तो यहाँ जो अभी लगभग स्टूडेंट जो जनरल वाले हैं वो सारे वेटिंग के ही हैं। अच्छा अच्छा। जो फाइनल लिस्ट, जैसे 600 बच्चे, 1000 सीट थी यहाँ, तो 1000 सीट की फाइनल लिस्ट बन गई। अब उसमें से जितने भी मेडिकल में या डॉक्यूमेंट की वजह से जितने भी हटे वो 1000 सीट पूरी की गई वो वेटिंग से एडजस्ट करके, तो लगभग यहाँ पे 50 लोगों की वेटिंग क्लियर हुई है। मेरा 9वां नंबर था और लगभग 50 से 60 लोगों का वेटिंग रांची बोर्ड में क्लियर किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स का तो इंटरव्यू ला रहे हैं, ओबीसी का भी ला रहे हैं, एससी का भी ला रहे हैं, एसटी का भी ला रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का भी ला रहे हैं, लेकिन अनरिजर्व का नहीं ला रहे हैं। तो जो होगी मैं वही लाता हूँ फ्रेंड। कल एक्चुअली सर जनरल वालों की नहीं थी, आर जनरल की थी। हाँ, तो ये जनरल से आप देखते हैं इनका स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा हाई, आपने सुना होगा सारे में, सीबीटी 1 में भी, सीबीटी 2 में भी, सीबीटी 3 में भी। नेक्स्ट हम लोग सीबीटी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपके साइको के बारे में आपने कोई कोचिंग्स ली थी या साइको आपने खुद से? साइको हमने खुद से ही जो टेस्ट सीरीज थी उससे लगाया, और बुक से भी लगाया, लेकिन बुक से उतना अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जिस जो आपको कंप्यूटर पे देना है तो आप टेस्ट सीरीज अगर कंप्यूटर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एकदम लाइव क्लासरूम आपके एग्ज़ाम सेंटर जैसा रहता है, तो उससे हमने लगाया था। और काफ़ी आप 8-10 सेट रोज़ लगाते थे हम, और महीने भर तक लगाया था तो अच्छी स्पीड आ गई थी मेरी। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट हम लोग डीवी की बात करें तो आपके डीवी कहाँ पे हुआ था? डीवी हमारा रांची में हुआ था, आरआरबी रांची में। हाँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यदि पॉसिबल हो तो डीवी का आप अपना स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर कर दें, ताकि फ्यूचर में जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स यदि उनका आरआरबी रांची में डीवी हो तो उनके लिए चीज़ें पहले से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि वहाँ पे क्या प्रक्रिया होती है डीवी के। आप नोटिफिकेशन जो देखिए आता है वो केयरफुली पढ़िए, उसके अलावा कुछ भी नहीं लाना है, केवल जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सभी चीज़ें बस सिर्फ वही लानी है, अपने साथ एक दो एक्स्ट्रा उसकी कॉपियां लेके रखनी है, और डॉक्यूमेंट में आपका आपके एजुकेशनल मार्कशीट जो आपने उसमें फिल किया हुआ है फॉर्म में वो लानी है, आप अगर कम्युनिटी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट लाना है, बस इसके अलावा तो और कुछ मांगते ही नहीं है। तो डीवी में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई? आप जिस दिन गए थे आपके हम जनरल से थे तो हमको तो केवल मार्कशीट ही देनी थी और कुछ देना ही नहीं था। जनरल वालों को डीवी में कोई इशू नहीं होता। जनरल वालों डीवी में कोई इशू नहीं,
सिर्फ मार्कशीट देनी है वो तो आदमी कर लेके आएगा ही, उसके लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो आप जिस दिन गए थे, जितने भी आपके साथी गण थे, उनमें किसी को किसी तरह की कोई परेशानी? ऐसा कोई इशू नहीं आया, ऐसा कोई इशू नहीं। डीवी में कुछ ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ करने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो? जैसे आपके जो मार्कशीट हो उसका नेम मिला लीजिए आप, जहाँ पे हमारा जनरल जब हमने दिया हुआ था मोस्टली जनरल की ही हो रही थी, तो उसमें जो इशू था मेन, जो उनके सर्टिफिकेट में पिताजी के नाम की स्पेलिंग एक अक्षर बदला है, दूसरा अक्षर बदला है, केवल वही इशू था, बाकी और कोई इशू नहीं था। अच्छा, जो जनरल के डॉक्यूमेंट ही नहीं लगना है, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है ही, वही लगना है सिर्फ। तो उसी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके जो नाम लिखा हुआ है, पिताजी का नाम लिखा है, बस वो सही होना चाहिए, बाकी ऐसा कोई डीवी में इशू नहीं आया हम लोगों के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेडिकल की, तो आपके मेडिकल कहाँ हुए थे? मेडिकल भी हमारा रांची में ही हुआ था, रेलवे हॉस्पिटल रांची, हाँ जो उधर है, हाँ वही, हाँ। तो स्टेशन के बगल में, हटिया में हुआ था। तो आप मुझे मेडिकल का, शायद हटिया का आप फर्स्ट जो होंगे जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वहाँ पर आप मेडिकल का जो आपका दिन भर की जो पूरी प्रक्रिया हुई, एक दिन में कंप्लीट हो गई थी मेडिकल? नहीं, हम लोगों को यहाँ से जब रिपोर्ट करने भेजा गया था तो वहाँ पे उन्होंने ले लिया था, उसके बाद डेट दी थी 4 दिन बाद की। अच्छा। तो हम लोग फिर 4 दिन बाद आए थे मेडिकल देने, उस समय उनका भी हो रहा था RPF वालों का भी। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा उनको पास भी रश था, हाँ। तो 4 दिन बाद जब हम लोग गए वहाँ, तो सुबह रिपोर्ट किया हुआ, उसके बाद अच्छा उन्होंने पहले ही जिस दिन हम लोग रिपोर्ट किया हुआ था, तो हम लोग से बोल देते एक्सरे, ब्लड शुगर और ECG ये सब बाहर करवा के ले आए, तो हम लोगों ने पहले ही करवा लिया हुआ था। उसके बाद वो जब हम लोगों का मेडिकल हुआ तो वहाँ वो सबमिट किया हो गया, बाकी जो टेस्ट होते हैं आई टेस्ट बहुत सारे उन्होंने कराए, और मेन तो आई टेस्ट ही हुआ था। एक दिन में प्रक्रिया कंप्लीट, हाँ एक दिन में कंप्लीट होके घर छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या थी? A1। A1, हाँ, LP A1। तो उस दिन किसी तरह की कोई परेशानी मेडिकल में? नहीं, परेशानी कोई नहीं हुई। आपके जो भी साथीगण आए थे उनमें किसी तरह किसी को परेशानी? एक लड़का था वो बाइनोक्यूलर में उसको रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। जो एक वहाँ पे बॉक्स होता है उसमें दो हरी और दो लाल बत्ती जलाते हैं, उसके बाद एक चश्मा दे देते हैं, उसमें एक लाल होता है एक हरा होता है, तो उसको उससे बाइनोक्यूलर विज़न टेस्ट करते हैं, तो वो दो इधर छुपा के, अब कौन सा दिख रहा है, एक लाल एक हरा, एक यहाँ छुपा लिया तो दो हरे एक लाल, तो वो होता है उसको बाइनोक्यूलर विज़न कहते हैं, तो उसमें एक लड़का छट गया था, बाकी तो सभी फिर पास हो गए थे। मेडिकल को लेकर के स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी स्टूडेंट या रेलवे का मेडिकल में जाता है तो? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, देखिए अगर आप ALP के लिए प्रॉपर जा रहे हैं तो आपकी आँखें दोनों आँखें 6x6 होनी चाहिए, बाकी और कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेन आँख में ही देखते हैं ये लोग, और बाकी तो ECG वगैरह इस जो हम लोगों की एज है उसमें इतना कोई हम लोग हार्ट डिसीज़ वगैरह तो होती नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि अब 30 बिलो 30 ECG में प्रॉब्लम हो रही है, ना एक्सरे में अगर कोई हड्डी मोस्टली नहीं होती है प्रॉब्लम, तो एक्सरे और ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट ये कराया गया था, इसमें जनरली इस एज में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर कोई दिक्कत है तो उसका आप इलाज करा लें पहले से ही, इन सब के तो इलाज हो सकते हैं, बाकी आँख मेन उनका आँख का ही फोकस होता है, और आँख के लगभग 6 से 7 टेस्ट करते हैं, एक डिस्टेंस विज़न, नियर विज़न, बाइनोक्यूलर और सिग्नल टेस्टिंग, और हियरिंग आपका टेस्ट करते हैं कि आपको सुनाई देता है, तो वो 6 मीटर पे ही खड़ा करके और एक आँख कान बंद करवा के आवाज़ लगाते हैं, तो कान का भी आपको ध्यान रखना, बचा के रखना आँखें भी कान भी। रेलवे की नौकरी पानी है तो? हाँ, अगर रेलवे की नौकरी पानी है तो आपको फिट रहना पड़ेगा कुल मिला के, चश्मा तो बिल्कुल ही लगाना पड़ेगा अगर ALP है, अगर टेक्नीशियन बनना है तो फिर लगा सकते हैं आप। अच्छा, तो इस तरीके से आपको मेडिकल जैसे कि पूरी, अच्छा टेक्नीशियन में भी जो उन्होंने अलाउ कर रखा है तो वो टेस्ट करा के सर्टिफिकेट डॉक्टर का लेके आना पड़ता है, हमारे जब था तो एक का था वो सर्टिफिकेट नहीं लाया हुआ था, तो उसके लिए कहा कि सर्टिफिकेट बनवा के तब सबमिट करें। अच्छा अच्छा, हाँ, तो टेस्टेड चश्मा लाना होता है, उसको सर्टिफिकेट लेके डॉक्टर से लिखा के। अच्छा, इस जॉब को आप एक सक्सेस मानते हैं? बिल्कुल सक्सेस है, हर एक मोड़ जीवन का एक सक्सेस है। अच्छा। जहाँ भी कुछ भी मिल जाता है अपने से
एक लेवल अप किया उसने, वो बहुत अपॉर्चुनिटी है हम लोगों की, एक एक पत्थर जोड़ जोड़ के पहाड़ बनते हैं। तो इसे सक्सेस का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? श्रेय हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं, मतलब हर चुनौतियों का सामना करना सिखाया भी और सपोर्ट भी किया, तो वही रियल हीरो हैं। यदि उन तक हमारी ये वीडियो पहुँच रही होगी तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही आपकी मेहनत का फल है जो आपके लड़के ने आज कुछ नौकरी सरकारी मिली हुई है, तो सब आपका ही किया हुआ है। पूरा स्टूडेंट लाइफ से लेकर के यहाँ तक के कोई एक स्ट्रगलिंग वाला दौर जिस दौरान आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया, लग रहा होगा कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, आता है स्टूडेंट्स हर एक के लाइफ में एक ऐसा मोड़ सभी आता का, है हाँ। तो क्या आप भी ऐसे दौर से आपको गुजरना पड़ा? बिल्कुल, जब मेरी हमने 2017 में नौकरी छोड़ी थी, उसके बाद एक डेढ़ साल का पीरियड, उसके बाद पढ़ने का, कि आप जब 28 साल की उम्र में सोचते हैं पढ़ना, पहले जब पढ़ा नहीं, उसके बाद 28 साल की सोच में आप जब घर वालों को फेस करते हैं कि नौकरी छोड़ के हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बड़ा रिएक्शन उनका कुछ थोड़ा अलग रहता है, हाँ उनको कन्विंस भी करना पड़ता है। तो जब आप कोचिंग में बैठते हैं, हम पहले कोचिंग में जाते तो वहाँ पे हाई स्कूल इंटर वाले 20 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे बैठे हुए हैं, और आप दाढ़ी मूछे लेके बैठ गए 30 साल के 28 साल के, तो थोड़ा पहले खुद में भी हेजिटेट होता है, लेकिन जब होता है ना कुछ करने का कि अब करना है, तो वो फिर कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती। डिपेंड करता है कि आपके प्राइमरी गोल क्या है एंड आपकी सेकेंडरी गोल क्या है। हाँ। आपने प्राइमरी में डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो हर चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती है। ये तो है, यदि अगर साइड वाली चीज़ें आपकी प्राइमरी हो रही है तो डेफिनेटली मेहनत का अल्टरनेट नहीं है, नहीं है वो, आप हर जगह वो एप्लीकेबल होता है। भाग्य केवल 10% काम करेगा, लेकिन अगर आप भाग्य को बदलना चाहते हैं तो मेहनत से भाग्य भी बदला जा सकता है। बिल्कुल, ये उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप मेहनत के बिना नहीं कर सकते। अगर भाग्य का उदाहरण, वो इक्का दुक्का मिलते हैं, लेकिन बाकी जो 98% हैं उनको मेहनत करनी ही पड़ती है। और हम लोग किस्मत के इतने तेज तो नहीं कि उस 2% में एंट्री कर जाए। मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आप शुरू से ही इतने ज़्यादा चीज़ों के प्रति क्लियर थे या फिर किसी घटना ने आपको इतना ज़्यादा क्लियर बनाया? हाँ, पहले तो सब ऐसा कुछ मतलब जब बात में चुनौतियाँ आती नहीं है तो पढ़ाई लिखाई करते चले गए, नौकरी भी मिल गई, प्राइवेट में भी अच्छी नौकरी थी, सब चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो किसी चीज़ कभी लगा ही नहीं कि कुछ खराब होता भी है। तब एक कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर डेड एंड सा लगता है कि यार यहाँ तो लग रहा जिंदगी ख़त्म हो गई। अच्छा, वो जब समय आता है तो वो फिर आपको अपने आप में सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि बाबू तुमको कुछ करना है। आपने अपनी बॉडी में फिटनेस काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखी है, वैसे आप 28 के लगते नहीं है, और ये चीज़ आपकी बहुत बेबाकीपन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से भी मिला हूँ, बहुत से लोग कुछ चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने हर चीज़ों को ओपन रखा, यहाँ जो मैं हूँ वो मैं हूँ, इसमें किसी तरह की कोई दोहरे वाली बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर के आपसे, एंड कुछ एट लास्ट फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को तो आपका स्वागत है। मैं उमंग से सारे सब्सक्राइबर को बस यही कहना चाहता हूँ, अभी कई वैकेंसियाँ हैं और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। बस थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ एंड ढेर सारी शुभकामनाएँ भी, क्योंकि आप जिस पिलर से जुड़ने जा रहे हैं वो हमारे केवल कंट्री का ही नहीं पूरे दुनिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे मतलब कि मतलब हमारी इंडियन रेलवेज ने पता नहीं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना करके रखे हैं, और हमारे कंट्री के तो मतलब कि एक तरह से कहिए रीढ़ की हड्डी है। तो आप पूरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला भी सरकारी डिपार्टमेंट वही है, अगर आप फौज को छोड़ते हैं तो उसके बाद रेलवे ही है। तो ऐसा करते हैं आप पूरी ईमानदारी से, इसी जज्बे के साथ, इसी एनर्जी के साथ इस इंडियन रेलवे को सेवा करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे, जिससे कि हमारी भारतीय रेल ऐसे कर्मठ कर्मचारियों से नई नई ऊंचाइयों को छुए और हमारा देश भी नई नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा इनको भी अन अकेडमी से, वाईफाई स्टडी से काफ़ी सारा हेल्प हुआ है। वाकई अन अकेडमी एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है फ्रेंड। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कंटेंट्स होते हैं उनका आप डेमो वर्जन यूज़ करें, अच्छा लगता है तब आपको ज़रूरत है तो आप पेड में भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फ्री में भी इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी कहीं पर भी कोई कोड मांगा जाता है, हमारा कूपन कोड है,
उमंग स्टडी UMANGSTUDY विदाउट स्पेस, इस कोड को यूज़ करेंगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन में भी 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और फ्री प्रोडक्ट को भी आप लोग अनलॉक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें उनका भी पेशेंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।